जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे, आप जो ये मोटर देख रहे हैं ये 1 HP का मोटर है और इसमें जो फॉल्ट है, तो ये मोटर आप देख लीजिए ये जला हुआ है। इसका स्टार्टिंग सही है लेकिन इसका रनिंग जल चुका है। तो आज हम लोग इसके विषय में जानकारी लेंगे। और मैं जानकारी देने से पहले बता दूं कि इस मोटर के नेम क्या नाम है, मैं इस वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं भी बतला दूंगा, क्योंकि इस मोटर का जो डाटा होने वाला है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त डाटा होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। और चलिए अब मैं इसकी थ्रेड की लंबाई की बात मैं कर लेता हूं। आप जो इसका ये थ्रेड देख रहे हैं, इसका लंबाई 3 इंची है। इसका थ्रेड का लंबाई 3 इंची है। इसका जो ये अंदर वाले थ्रेड है इसका लंबाई 3 इंची है। और इसका जो बाहरी सिरा है वो भी मैं आपको माप करके दिखला देता हूँ। तो इसका जो बाहरी सिरा है आप देख लीजिए 11 से 4.5 इंची है इसका यहाँ, और यहाँ का दूरी 4.5 इंची है। और इसका अंदर का जो थ्रेड है वो आपको 3 इंच में है, 3 इंच में है। और ये 4-2 में सेट बनेगा। और इसमें जो कैपेसिटर यूज होने वाला है वह आपको 10 mFD का कंडेंसर यूज में लेंगे हम लोग, और इसका एक बेहतरीन डाटा आप लोगों को देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले इसको काट के खाली करते हैं, उसके बाद इसमें इसको पहले हम काट करके तार को निकालते हैं और फिर पैकिंग लगा करके आपको दिखलाता हूँ कि इसमें कितना कितना नंबर तार गेज चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। मैं एक एक अहम जानकारी दूंगा और इसकी स्लॉट की गहराई कितना है वो भी मैं बतला दूंगा और इसका मैं परफेक्ट डाटा दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने पैकिंग वैकिंग लगा चुके हैं और इसमें रनिंग का कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के साइड हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, इसमें 4 खाने जोड़ कर छोड़ करके कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका 4 लच्छी बना हुआ है, 1, 2 और 2 इसमें हम डाल चुके हैं। तो जैसे कि आपको हमने वीडियो में बतलाए हुए हैं कि इसका लंबाई 3 इंच है और देखिए इसका स्लॉट का गहराई काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसमें 95 टर्न भी लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसका जो एक्यूरेट डाटा है वह मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसमें रनिंग में आपको 25 नंबर वायर गेज से 90-90 टर्न देना है, चाहे वह सिल्वर से हो या कॉपर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते बीच में आपको 4 खाना छोड़ना है। तो ये दोस्तों हमने आपको रनिंग का डाटा दिए हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग का भी डाटा दे ही देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग भी मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर 3 इंची का कोई भी स्टम्पिंग आए जिसका थ्रेड का लंबाई 3 इंच हो और गहराई भी ज़्यादा हो, तो आप बेहिचक इस डाटा का यूज कीजिए। अगर मोटर के ऊपर नेम प्लेट नहीं भी लगा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मोटर दूसरा व्यक्ति भी काट करके गिज दिया है या इधर उधर कर दिया है डाटा को, तो कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, बशर्ते आपको मेरे दिए हुए डाटा को इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब मैं स्टार्टिंग का भी डाटा बतला देता हूँ। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैं 2 सेट बनाऊँगा और स्टार्टिंग में जितना कितना नंबर से देता हूँ, अगर इसका डाटा जानना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो जा करके मैं आपको उसका भी डाटा दे दूँगा। फिलहाल हमने आपको रनिंग का डाटा इसलिए दिया हूँ और स्टार्टिंग का डाटा इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग का भी डाटा दीजिए देंगे, बशर्ते आप कमेंट कीजिए। तो फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये A to Z 3 इंच स्टम्पिंग वाले मोटर का हमने डाटा आपको दे रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त इलेक्ट्रीशियन अमित अमन। जय हिंद।